पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। हमको तो देखते ही समझ आ गया था कि अभिमन्यु की बिटिया है, एकदम सकल अभिमन्यु पे गई है। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, आज मैं मान गई। मैं तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी अभिमन्यु कि मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम किस हद तक अपनी मां के बस में हो। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई भी रिश्ता या तो खुशी देता है या सबक सिखा कर जाता है। मैंने अपना सबक सीख लिया अभिमन्यु, तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हमारा कोई किस्मत कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हमारा किस्मत कनेक्शन होता, अगर हमारा साथ होता, तो हम कभी अलग ही नहीं होते, ना बचपन में और ना ही 6 साल पहले। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि 6 साल पहले जिस इल्जाम के साथ तुमने मुझे इस घर से निकाला था, आज इसी घर में माता रानी ने वो इल्जाम मेरे सर से हटा दिया। मुझे कोई दुख नहीं है, भले ही मैं एक पत्नी के तौर पर हार गई, लेकिन एक मां के रूप में जीत गई। मुझे मेरी गुड़िया मिल गई। शायद इसीलिए 6 साल पहले माता रानी ने मेरी बच्ची को मुझे सौंपा, क्योंकि वो जानती थी मैं ही अपनी बच्ची को सबसे ज्यादा प्यार दे पाऊंगी। क्योंकि इसका पिता तो अपनी मां के प्यार में अंधा हुआ बैठा है। 6 सालों तक तुम्हारे दिए हुए इल्जामों के साथ मैंने अपनी जिंदगी सजा की तरह काटी है, लेकिन नित्या के प्यार ने मुझे संभाले रखा। अब तुम बताओ अभिमन्यु पांडे, क्या सजा दोगे तुम खुद को? क्या सजा दोगे तुम अपनी मां को, जिन्होंने अपने एक बेटे को बचाने के लिए? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।